ये मेरी पसंदीदा राजेश खन्ना की फिल्मों से एक है। उनका किरदार राजा और शर्मिला की रानी के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी है। मेरे मित्र और राजेश विशेषता सुहाना बताते हैं कि यह संभवतः उनकी बनाई गई एकमात्र फिल्म है जहां उन्होंने वास्तव में युवा होने और प्यार में एक साथ समय बिताने का मौका मिलता है, बजाय इसके कि वे दर्दनाक रूप से अलग हो जाते हैं और केवल बुढ़ापे में फिर से मिलते हैं। आडी बमन का संगीत प्यारा है, प्रदर्शन दमदार है, कहानी दिलचस्प है और बहुत सारे हंसी के साथ अच्छी गति से चलती है और पात्रों को खूबसूरती से उकेरा गया है। यदि आप कुछ मधुर रोमांस और 70 के दशक की स्टाइलिश मौज मस्ती के मूड में है तो यह एक अच्छी तरह से बनाई गई और बिना किसी बोझ वाली फिल्म है। यह काले और सफ़ेद रंग में एक गंभीर नोट पर शुरू होता है क्योंकि हमें छोटे लड़के राजा से परिचित कराया जाता है जो बीमार है। उसकी परेशान माँ को उसके इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए अपने अमीर नियोता के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसका बेईमान बॉस उसे एक शर्त पर पैसे देगा, उसे उसके वकील बनाना होगा। हताशा होकर वह उस रात उससे मिलने के लिए सहमत हो जाती है और छोटे राजा को उसकी दावा मिल जाती है। हालांकि दुख की बात है कि वह निर्णय लेती है कि वह अपने समझौते को पूरा नहीं कर सकती है और वह एकमात्र रास्ता अपनाती है जिसके बारे में वह सोच सकती है। अपने गरीब छोटे बेटे को वह बेहतर स्वास्थ्य में छोड़ देना लेकिन अनाथ हो जाना, इसका तर्क मेरी समझ से परे है, लेकिन मुझे लगता है कि हताशा और तर्क अक्सर अलग हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा जिसे खुद को बड़ा करने के लिए मजबूर किया जाता है, उसके पास भी कई विकल्प नहीं होते और वह तुरंत चोरी करना शुरू कर देता है। वह बड़ा होकर एक पेशावर चोर बनता है भले ही वह सक्षम ना हो। उसे लगातार पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है और जेलर को निराशा होती है कि राजा कभी अपने तरीके सुधारेगा। हालांकि उनमें ढेर सारा आकर्षक और सिद्धांतों की अपनी सहायता है। वह अपने चोरी हुए सामान की सुरक्षा लालची के माध्यम से करता है। एक तस्वीर में आशीष सेन की अनोखी बोलने वाली आवाज़ का उत्सुक अनुकरण किया है जो स्पष्ट रूप से उन दोनों को असूचित करता है और टोनी के रूप में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त है जिनके साथ वह एक पुरानी परिचय बॉक्स को घर के रूप में सजा करता है। टोनी एक ठग और जेबकतरे के रूप में काम करता है लेकिन उसे शराब से स्पष्ट समस्या है और उसे गोवा की मेरी नाम की एक लड़की से लगाव है जो उसे प्रेम पात्र भेजती है। राजा अपनी चोरी में उनका समर्थन करता है लेकिन टोनी के शराब पीने को नापसंद करता है। रात में वह मुंबई के आसपास घूमता है। इसमें शहरी जीवन के छोटे छोटे दृश्य मिलते हैं जो बहुत प्यारे हैं, जैसे कि वह अनीता नाम की एक दुखी महिला के घर में घुसता है जिसका पति उसकी उपेक्षा करता है। उसने एक शक्तिशाली नींद का झोंका लिया है और बेहोश हो गई है। राजा भी इसमें अपनी मदद करता है और उसके बगल में सो जाता है जिसमें उसका पति क्रोधित हो जाता है जब वह अंततः नशे में घर आता है। एक रात एक शादी के लिए सजाए गए घर में उसका पीछा किया जाता है जहां उसे दूल्हे की शादी की पोशाक की एक नोट मिलता है। दूल्हा अपनी तय की गई शादी से भाग गया और उसे जैसे ही पुजारी और दूल्हे का माता पिता अपने बेटे को आने और शादी करने के लिए बुलाते हैं, पुलिस भी पहुंच जाती है। गिरे हुए राजा ने फूलों से सजी पगड़ी और सोने की शेरवानी पहनी और गरीब दुल्हन से शादी की है जबकि पुलिस ने घर की तलाश ली है। दूल्हा निर्माता एक अनाथ है जिसे उसके चचा और चची ने पाला है जो उसे बोझ बनाते हैं। वह राजा से विनती करती है कि वह उसे ना छोड़े लेकिन वह अपनी दुखी नई पत्नी के साथ सुरेश के नोट और कपड़ों को छोड़कर पीछे का आग से बाहर निकल जाता है। पता ना चलने के इतने कठिन प्रयासों के बावजूद राजा को उसी शाम पुलिस ने पकड़ लिया और वापस जेल भेज दिया। उस रात और भी तस्दी होती है जब असली सुरेश एक दुर्घटना में मर जाता है। अभी भी इस बात से अनजान है कि उसकी वास्तव में किसी और से शादी हुई थी। सुरेश के माता पिता ने निर्मला को घर से बाहर निकाल दिया और उसकी चची और चचा के पास घर भेज दिया जो उसके साथ और कुछ नहीं करना चाहते थे। अकेली डरी हुई सड़क पर उसके पास बहुत कम विकल्प बचे हैं जिसमें हमेशा द आई सॉन्ग कहोगा अपने बेहद प्रतिपा का खैर आंखों और उन्हें चुबाने के लिए कई तेज वस्तुओं के साथ तिनवला गलियों में घूमती है और अंततः में पहुँच जाती है एक कोटा घुंघरों के जोड़े का कपड़ा पहने हुए। 6 महीने बीत गए और राजा को जेल से रिहा कर दिया गया। दोषी महसूस करते हुए वह उस घर में जाता है जहाँ गलती से उसकी शादी हो गई थी और पड़ोसी ने उसे सुरेश की मौत के बारे में बताया था और कहा कि परिवार अब वह नहीं करता है। तब से उसे पता चलता है कि उसके बॉक्सर का घर में अब अजनबियों का निवास है। जब राजा
बिग हाउस में था तो टोनी ने इसे बेच दिया था। कुछ और कहने को नहीं होने पर वह चोरी करने के लिए वापस चला जाता है और निर्मला के घर में पहुंच जाता है, जहां वह एक पूर्ण विकसित लड़की है जो खुद को रानीबाई कहती है। जब उसका एक ग्राहक गोवर्धन दास उसकी पसंद के प्रति कुछ ज़्यादा ही आगे हो जाता है तो राजा उसे बचाता है और गोवर्धन को बाहर फेंक देता है। वे थोड़ा फ्लर्ट करते हैं और वह उसे उसके पैसे के लिए धीरे से डांटता है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसे जीवित रहना है। पुलिस सायराना कभी करीब आती है और वो रानी उनकी सुरक्षा करती है। राजा को जल्दी ही जैकपॉट मिल जाता है जब वह एक घर में डकैती करता है जहाँ कुछ अच्छे गहने पड़े होते हैं। यह बहुत प्यारा है, वह उसके चेहरे को छूता है और जैसे ही वह नींद में करवट लेती है तो वह बड़बड़ाता है, तुम कुछ खास हो, पिघलो पिघलो पिघलो। वह उसके सारे गहने चुरा लेता है, लेकिन उसके दर्पण पर लिपस्टिक में एक अच्छा नोट लिखा होता है। अंततः वह अपने दोस्त टोनी का पता लगा लेता है और लालाजी से उनके रहने के लिए जगह तलाशता है। ब्लैकमेल करता है अपने पूर्ण निर्मला और नए घर का जश्न मनाने के लिए। वो टोनी को खूबसूरत रानी से मिलाने चाहता है जिसे वो भूलने में असमर्थ है। वह छुट्टी का दिन होने के बावजूद उनके लिए नृत्य करती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राजा जितना क्रोधित है रानी भी उतनी ही क्रोधित है, यदा बिल्कुल उचित शंकाओं के साथ। इस फिल्म के लिए रमेश पंत ने संवाद लिखे थे और वे सबसे बेहतरीन है। वे एक साथ एक ईमानदार और समाजजनक जीवन जीने के लिए अपना वर्तमान पैसा छोड़ने का समझौता करते हैं, लेकिन क्या समाज उन्हें ऐसा करने देगा? रानी के पास कुछ धनी और प्रभावशाली ग्राहक है जो उसे अपने पास रखना पसंद करेंगे। वे एक चोर के रूप में राजा की प्रतिस्पर्धक है। क्या ये दोनों बहिष्कृत लोग एक साथ खुशी पा सकते हैं और क्या उन्हें कभी पता चलेगा कि वे पहले से ही शादीशुदा है? आप वास्तव में उन्हें चाहोगे जब तक कि आपका दिल मेरे से बहुत अधिक काला और चिपचिपिया ना हो? ये एक बहुत ही सरल और सीधी कहानी है जिसमें संदेश है जो मुझे अधिकतर मिल सकते हैं, जो कि कुशलता से किए गए हैं। खूबसूरत कुमारी नाच बात में दिखाई देती है और यह लड़का भी क्या कोई जानता है कि उसका नाम क्या है? मुझे यकीन है कि मुझे पता होना चाहिए, लेकिन मैं इस पर विचार नहीं कर सकता हूँ।